अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू शो यू थ्री थिंग्स। एक तो चर्च, काफ़ी पुराना चर्च है, उसकी हिस्ट्री बताऊंगा। फिर 22 किलोमीटर लंबी वॉल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे बगल में ये वैसे, इसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा। और तीसरा यहाँ पे मतलब इसका आसपास का एरिया दिखाऊंगा। काफ़ी वाइड, मतलब काफ़ी वाइड वाला एरिया है और काफ़ी विलेज वाला एरिया है, क्योंकि जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको ये चीज़ काफ़ी पसंद आएगी देखने में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। तो यहाँ से हमें नीचे जाना है, और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो। तो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो, इस जगह को कैसे विज़िट कर सकते हो। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि जाए कैसे। तो जाने के आप दो रास्ते हैं, एक ट्रैम और दूसरा है बस, लोकल बस। तो लोकल बस में आपको बताऊँ तो 76D जो नंबर की बस है वो जाएगी। वहाँ से आपको मतलब पैदल जाना पड़ेगा, और स्टेशन का नाम होगा ब्यूकशहर बलेदियसी। तो ये बस से स्टेशन का नाम पड़ेगा। तो अभी मैं जो खड़ा हूँ टोपकापी पे खड़ा हूँ, और टोपकापी से हम जाएंगे मतलब ट्रैम से। ट्रैम से कैसे जाएंगे वो मैं बताऊँगा आपको। इस्तांबुल कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और इस्तांबुल कार्ड मेरे पास है, स्टूडेंट कार्ड है ऑफिस की। तो चलिए मैं चलता हूँ ट्रैम की तरफ। ट्रैम का स्टेशन का नाम है टोपकापी। चलिए चलिए, तो ये रहा स्टेशन, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो मैं अंदर आ गया हूँ, तो इस वाली में चलना है, चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ, और दो स्टेशन आगे आना था। जहाँ से मैं बैठा हूँ वो लास्ट स्टॉप है, लास्ट स्टॉप तो काफ़ी जो लास्ट स्टॉप है, और उससे दो स्टेशन आगे हैं। और यहाँ का व्यू देखिए। सो फ्रेंड्स, वैसे इस स्टेशन का नाम है अदनाथ कापी। स्टेशन पर आप आ सकते हैं, स्टेशन से ये अभी मैं आपको जहाँ ले जा रहा हूँ वो बहुत पास पड़ता है, और ये काफ़ी ईजी है ट्रैवल करना। आप देख सकते हो मेरे पीछे स्टेशन है। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रैम वहीं जाएगी, क्योंकि ट्रैम भी तो काफ़ी सारी चलती है। तो ट्रैम जो चलती है यहाँ पर, ट्रैम T1, T2, T3, T4, T5, ये सारी ट्रैम चलती हैं। तो मैं जिसमें आया हूँ वो आई है ट्रैम T4 से आया हूँ। T1 जो है तकसीम में चलती है, T2 कहीं तब इस्तांबुल में सुलेमान स्ट्रीट पर चलती है। तो T4 से आया हूँ मैं यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ट्रैम 4। तो ऐसे ही ना बाकी सारी होती है, मेट्रो 1, मेट्रो 2, M1, M2, M3, और ऐसी होती हैं फेरी के भी, F1, F2, F3। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों की होती हैं। तो आप लोग को मतलब इतना तो क्लियर हो गया होगा कैसे आना है यहाँ पे। मैं आ चुका हूँ, तो अभी चलते हैं चर्च की तरफ। सो फ्रेंड्स, आप ये वॉल देख रहे हो, ये वॉल की भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊँगा आगे। अभी चलते इधर से हम कारी चर्च की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं चर्च तो आ गया, लेकिन अननेसेसरी यहाँ पे मतलब चर्च बंद है, और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि चर्च बंद मिलेगा मुझे देखने को। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री बताऊँगा, इसके कुछ अंदर की फ़ोटोग्राफ्स हैं वो मैं आपको दिखाता हुआ जाऊँगा और बताता भी चलूँगा। तो और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं, ये चर्च जहाँ पर है यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तो साइलेंट है, दूसरा ये एक विलेज के टाइप पर, मतलब आप यहाँ देख सकते हो लोगों के घर हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है, लोगों के खुद के घर हैं यहाँ पे। और ये विलेज वाला लाइफ मस्त, क्योंकि जब मैं इस्तांबुल के विलेज में गया था ना, तो वहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, और यहाँ पे भी सेम चीज़ें देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देखो स्ट्रीट वगैरह भी सारे। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया ऊपर, और ऊपर से आप देख सकते हो ये चर्च कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस चर्च की बात होती है 1413 ईयर्स, मतलब 4th सेंचुरी की। इसको मतलब जब फाइंड किया गया था, तो इसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, इसके वॉल पे रिसर्च करी, इसके वॉल से ये पता चला कि 1415 के इन एज में बनी है ये चर्च। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पुरानी है। बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, जो ओटोमन एम्पायर थी यहाँ पे, तो उन्होंने इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था, और ये मस्जिद भी काफ़ी साल तक रही, 500 ईयर्स तक। उसके बाद इसे कन्वर्ट कर दिया फिर से म्यूज़ियम में, और अभी इसमें काम वाम चल रहा है। तो इस चर्च को बनाया था बेज़ेंटाइन के टाइम पे, और उसके बाद फिर यहाँ पर आए ग्रीक, उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस करी। इसके बाहर मतलब जो बेज़ेंटाइन थे उन्होंने चर्च बनवाया था सिर्फ, उसके बाद फिर जब ग्रीक आए, वो भी एक
क्रिश्चियन थे, उन्होंने इसके आसपास की वॉल खड़ी करी। उसके बाद जब ओटोमन एम्पायर आया इस्लामिक, उन्होंने इसको मतलब इसके वॉल और उसके साथ में काफ़ी गुम्बद इस पर खड़ी करे और इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। काफ़ी साल तक मस्जिद रही। और उसके बाद फिर जब ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ 19 सेंचुरीज़ में, तो ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गई फॉर अ टूरिस्ट सब के लिए, मतलब आए देखें 14 ईयर्स, मतलब 14th century। इसके अंदर चर्च की मतलब काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कितने सारे इनके फ़ोटोग्राफ्स हैं और यहाँ पे अंदर कितने सारे के मतलब इनके गॉड की मतलब जो क्रिश्चियन मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम और मतलब ईसा जिनको ये ईसा कहते हैं, और इन सब की फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हो यहाँ पर। वर्जन फ़ोटोग्राफ्स हैं, काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी हैं। ये वाली विलेज ना मुझे एकदम गांव वाला, मतलब जो इस्तांबुल में गांव में गया था ना विलेज वाली लाइफ, उसमें काफ़ी मतलब मिक्स हो रहा है ये चीज़, एंड आई लाइक दिस। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस विलेज, ये गांव, और इन दिस वॉल, इस वॉल के पीछे 22 किलोमीटर जो लंबी वॉल है ना उसके पीछे इन्होंने ये मतलब अपने घर बना रखे हैं। और दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स बिकॉज यू कैन सी हेयर दे हैव ओन होम, नॉट अ टाइप ऑफ बिल्डिंग्स इन दिस सिटी। अब वो वाला एरिया थोड़ा नीचे हो जाता है तो वहाँ पर सिटी वाला रोड वगैरह है, लेकिन यहाँ पर ऊपर चर्च के पास दे हैव ओन हाउस होम बिल्डिंग्स, तो यहाँ पर मतलब बहुत कम है, आउट ऑफ यहाँ से मतलब बाहर हैं, यहाँ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ का एरिया ना काफ़ी ब्यूटीफुल है, यहाँ देखिए तो यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं। तो इन दिस विलेज दे आर ऑल्सो यूजिंग अ वुड फॉर फायर। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी जगह पे ना वुड देखा, मतलब लकड़ी और आग जलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखी। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, दे हैव मेड बिकॉज लॉट्स ऑफ टूरिस्ट आर हेयर टू विजिट दिस चर्च, बट राइट नाउ दे आर नॉट हेयर, मीन्स द टूरिस्ट आई थिंक नो दिस इज इन कंस्ट्रक्शन एंड दैट्स वाई दे आर नॉट कमिंग हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब रेस्टोरेंट भी काफ़ी प्यारा बनाया है इन्होंने। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाया था ये वॉल, तो अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो इसकी हिस्ट्री भी रोमन एम्पायर से कनेक्टेड है। रोमन एम्पायर जब थे उन्होंने ये वॉल बनाई थी अपनी सिक्योरिटी के लिए, और ये वॉल जो है 22 किलोमीटर लंबी है। इस वॉल को आप बहुत ईजी तरीके से देख सकते हो क्योंकि ये वॉल ना मतलब इस वॉल के नीचे से ही ट्रैवल होते हैं, रोड बनाया है उसके नीचे, तो वॉल हम ऐसे ही देख सकते हैं। और इस वॉल की खासियत ये है कि ये वॉल भी कम से कम 1500 ओल्ड है, और इसको जब तक रोमन एम्पायर थे ना उन्होंने अपने सिक्योरिटी के लिए बनाया था, लेकिन इसे जब ओटोमन एम्पायर आया तो उन्होंने इस वॉल को तोड़ा अपने साथ। 11 जो सुल्तान थे ना ओटोमन एम्पायर में, उन्होंने इसे तोड़ा उसके अंदर, मतलब इसको तोड़ के अंदर आए। और मैंने इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, पनोरामा 1453। इसके अंदर हमें बहुत क्लियर तरीके से दिखाया गया है कि ये वॉल कैसे टूटी है, वहाँ बैटल कैसे हुए। और इस वॉल की जो बात करूँ तो आई कैंट से एनीथिंग बिकॉज दिस वॉल इज़ वेरी हिस्टोरिकल थिंग इन द इस्तांबुल, क्योंकि इस्तांबुल का जो फातह एरिया है ना ये पूरा कवर रखता है, और दैट्स वाई दे मेक दिस वॉल। और वैसे इस वॉल की हिस्ट्री में ये भी है कि ये वॉल जब बनी थी तो मतलब रोमन ने इसे अपने लिए बनाया था, और उसके बाद जब ओटोमन एम्पायर आया उन्होंने इसे तोड़ दिया, मतलब बैटल हुआ, अंदर आए, उसको कब्जा कर लिया सुल्तान, मतलब इस एरिया को, फातिस एरिया को। और चर्च की बात करी जाए तो चर्च इन्होंने काफ़ी सारे बनवाए थे अपने इस अंदर, इस वॉल के अंदर काफ़ी सारे चर्च बनवाए थे, उसके बाद इन्हें कन्वर्ट करते गए मस्जिद में, मतलब जैसे ओटोमन एम्पायर आया अंदर आया तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इन्हें मस्जिद वगैरह में। और चर्च इन्होंने बनवाए तो काफ़ी, लेकिन आया सोफिया एक ऐसी चर्च बनाई थी इन्होंने जो सबसे बड़ी चर्च बनी थी, और ऐसी ही आया सोफिया के अलावा ऐसी कितनी बड़ी चर्च कोई सी नहीं है, बाकी सारे ऐसी छोटी छोटी चर्च हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इस वॉल से, और लॉट्स ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं, मतलब लोग भी काफ़ी लोग देखने आते हैं इस वॉल को भी। सो फ्रेंड्स लिटरली इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, आई डोंट नो मतलब इस वॉल के पास ऐसे मैंने डैमेज वाली वॉल जो थी, और दे हैव अ सेंटर पॉइंट इन दिस वॉल, सो दे मेड अ मार्केट, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसके बीच में मार्केट भी है। तो ये मार्केट भी देखते हैं, थोड़ी सी अंदर चलते हैं। सो लेट मी गिव यू सम हिंट ऑफ दिस मार्केट, दिस इज़ द बर्ड मार्केट, बर्ड्स मार्केट।
तो ये मार्केट देखिए, यहाँ पे बीन्स वगैरह मतलब चीज़ें हैं बर्ड्स को खिलाने के लिए, मतलब चिड़िया वगैरह को और पिजन्स को। तो पिजन्स भी काफ़ी टाइप्स की हैं, होती हैं ये देखिए। और वैसे इसके अंदर आने का टिकट लगता है 10 लीरा का टिकट है, नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, ले सकते हैं, बहुत इजी है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पूरा मतलब मार्केट घूमते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस भी पूछते हैं इनसे। सो इसका प्राइस उन्होंने बताया 300 लीरा। ये बर्ड्स के प्राइस मतलब इन्होंने पिजन्स के प्राइस तो 300 लीरा बताए, जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो और पता करते हैं क्या प्राइस है बाकियों के पास। तो इस वाइट वाले का पता करते हैं, अभी नेक हदर भी था ना बिन बिन, तो इन्होंने जोड़ा बताया है 1000 लीरा। तो इनके पास काफ़ी मज़ेदार वाले बर्ड्स हैं, ये देखिए मतलब पिजन्स हैं। अभी नेक हदर, नेक हदर बेशूज, तो 500 लीरा एक वाइट वाला बू उच शूज, तो ये 300 लीरा का वो भी एक। तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी हाई है, क्योंकि 300 लीरा का सिर्फ एक पिजन्स और 1000 का जोड़ा काफ़ी ज़्यादा है। और पता करते हैं, देखते हैं। लेखा दर अभी बिताने 21, तो इन्होंने 200 बताया है इसका, इसके इनके ये देखिए ये जोड़ा में है अभी वो 21 ही लेखा दर बेस्ट शूज, तो जोड़ा 500 में, ये तो सही लगा थोड़ा सा क्योंकि जोड़ा मिल गया तो 500 में। सो फ्रेंड्स एक काफ़ी मज़ेदार बात बताऊंगा, मैं बाहर चल के बताता हूँ, अभी चलते हैं बाहर पहले। सो मैं आ गया दूसरी साइड मार्केट के, अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है छोटी वाली ज़्यादा, मतलब ये छोटे वालों का है ये मार्केट जो है, जहाँ पे छोटी बर्ड्स देखने को मिलेंगी ऐसी। पैरट है अभी नहीं खतर बिताने कुछ यूज, तो इन्होंने भी छोटे वाले का मतलब 300 बताया है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊंगा, लेकिन यहाँ से बाहर चल के पहले यार देख लेते हैं यहाँ छोटे वाले पे क्या प्राइस बताते हैं छोटी वाली का। अभी नहीं 1000 बिताने यूज लीरा, तो 100 लीरा का बता रहे हैं ये भी। और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चलते। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं देसी मुर्गे, मुर्गी मतलब सॉरी, तो इनका 170 बताया एक का, एक मुर्गी का 170 प्राइस। तो पैरेट का पूछते हैं अभी नहीं खतर बेस्ट शूज, तो 500 पैरेट का ग्रीन वाली का जो मैंने अभी आपको दिखाई, तो इनसे पूछते हैं अभी नहीं खतर बिताने यूज लीरा यूज एल ली, तो मतलब 100 और 150 लीरा के इनके पास। सो फ्रेंड्स अब मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैं आपको बताऊँगा एक चीज़ जो आप लोग को काफ़ी सुनने में मतलब आप लोग को पता चलेगा इस चीज़ से। सो फ्रेंड्स मैं स्टार्टिंग से दोबारा बताना शुरू करता हूँ। तो जब मैं अंदर मार्केट में घूम रहा था, तो यू नो आई एम टॉकिंग इन हिंदी विथ यू, सो दे आर हियरिंग आई एम टॉकिंग इन हिंदी, आई एम फॉरनर, दे आर थिंकिंग आई एम फॉरनर, आई डोंट नो तुर्किश। सो मैंने बात भी करी थी, दे सीज आई एम टॉकिंग तुर्किश एंड दे आर टेलिंग मी फॉरनर प्राइस। तो बाद में एक अंकल आए मेरे पास, पर्सनली आए, बोले बेटा तुम्हें लेना है, मैंने बोला लेना नहीं, मुझे ऐसे ही देखना आया हूँ। तो अंकल ने बोला ओके देखो, लेकिन ये प्राइस गलत बता रहे हैं, दे आर टेलिंग यू रॉन्ग प्राइस, इनका प्राइस इतना नहीं है। उन्होंने मुझे आके खुद पर्सनली बोला, उन्होंने बोला जोड़ा अगर हम बड़े पिजन्स की बात कर रहे हैं तो 150 में मिल जाएगा आपको जोड़ा, वो जो 300-500 का एक एक बता रहे हैं ना दे आर रॉन्ग, और जोड़ा 1000 मतलब 1000 और 3000 का बता रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अंकल ने आके खुद बोली। उसके बाद
यू ऑल नो मैंने आपको छोटे वाले प्राइस मतलब बताए थे, छोटे वाले बर्ड्स की उन्होंने मुझे 80 में दो जोड़े बताए थे आपको, मैंने बताया था 50 में एक जोड़ा, 80 में। तो जब मैं छोटे वाले एरिया में गया तो देर ऑल्सो दे आर टेलिंग मी रॉन्ग प्राइस, 300, 400, 170 दे आर टेलिंग मी रॉन्ग प्राइस एंड they are thinking I am foreigner, I am talking in Hindi, that's why they are thinking, tell him he will take a 300-400, we will get price, oh we will get money. So I didn't buy it, but real price मुझे पता चला उन अंकल की वजह से कि 50 या 70 लीरा का तो सिर्फ एक मतलब पिजन है, और जोड़े जो छोटे वाले 50 से 40 के हैं। तो अंकल ने मुझे आके काफ़ी मतलब बताया कि ये लोग गलत बता रहे, उस समय मैं शूट करता लेकिन अंकल ने वीडियो में आने से मना कर दिया, तो दैट्स वाई आई डेंट शूट दैट टाइम, बट I thanks that uncle कि आपने मुझे real price बताया इसका। So ये तो काफ़ी मतलब अच्छा पता चला उन अंकल की वजह से कि price जो है foreigner को काफ़ी बताते हैं, और I appreciate that uncle, thanks that uncle कि उन्होंने मुझे खुद आके बताया personally कि they are telling you wrong price. So I appreciate it. And आज मैंने इस vlog में आपको तीन चीज़ दिखाई, वो गांव, वो चर्च काफ़ी पुराना, ये वॉल जो 22 किलोमीटर बड़ा है वो, बट उस मार्केट का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो मार्केट ऐसे वॉल के बीच में होगी, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट मार्केट, लेकिन आपको वो मार्केट भी मैंने विजिट कराई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको ये आई होप अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय।